हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने एक और फेसकैम वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं, आज का वीडियो है एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो कि है कि क्या हमें प्रैक्टिस के अंदर पेटेंट्स, जो हमारी कंपनियां होम्योपैथिक फार्मेसी जो पेटेंट बनाती हैं, हमको वो यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल इसको लेकर आता है कि पेटेंट होते क्या हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक मेडिकेशन दिया जा सकता है, जैसे कि लीवर, कि अगर किसी को जॉइंटिस है तो मैं एक पेटेंट का अगर नाम लूँगा तो आप में से ज़्यादातर लोग उसको जानते होंगे, वो है जॉइंडिला, कि ये जॉइंटिस के ऊपर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला पेटेंट है। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक पेटेंट बनाने के लिए एक ऑर्गन, एक बीमारी पे काम करने वाली कई मेडिसिंस को मदर टिंचर के रूप में एक शुगर सायरप के अंदर मिला दिया जाता है और उसको कंपनी कोई एक ब्रांड नेम दे करके दुकानों पे रखवा देती है। और उसमें होता क्या है कि डॉक्टर चाहे तो वो डॉक्टर खुद अपनी क्लिनिक से उनको अपने पास से दे सकते हैं या फिर उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सो दैट पेशेंट कैन टेक दोज मेडिसिंस फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। ओके, तो दिस इज नोन एज द पेटेंट। आजकल पेटेंट कितने फॉर्म में आ रहे हैं? आजकल पेटेंट कई फॉर्म में आ रहे हैं। पहला तो ड्रॉप्स, अपन ने ड्रॉप सुना होगा। ड्रॉप का प्रचलन बेसिकली रैग वैग की जो आर सीरीज आती थी, R1 से लेके R200 एंड समथिंग तक, वो वहाँ से प्रेरित है कि इसके अंदर लोअर डाइल्यूशंस में, लोअर डाइल्यूशंस में मतलब एक्स पोटेंसी में या फिर लोअर डेसिमल पोटेंसी में, कई दवाओं के लिक्विड को मिला करके पेटेंट को फॉर्म करा जाता है। और वो अलग अलग बीमारियों पे होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए भी पेटेंट आते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो पेटेंट एज ए जनरल टॉनिक को के रूप में दिए जाते हैं, जैसे अल्फा अल्फा के टॉनिक कई प्रकार के आते हैं जो उसके अंदर अल्फा अल्फा के अलावा कई दवाएँ डली रहती है। पेटेंट जो है वो लीवर के लिए आते हैं जिसके अंदर चेलिडोनियम वगैरह वगैरह जितनी भी लीवर मेडिसिंस में होती हैं, स्पेशली इन द मदर टिंचर फॉर्म, वो डली होती हैं। पेटेंट जनरली रीनल कैलिकुलाई और गॉल स्टोन कैलिकुलाई के लिए भी आते हैं। और आजकल इतने ज़्यादा पेटेंट मार्केट में हैं, तो ये हम मैंने आपको पहले तो ये चीज़ क्लियर की उन दर्शकों के लिए कि जिनको नहीं पता कि पेटेंट क्या होता है, तो मैंने ये बताया कि पेटेंट क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कि क्या आर दे हेल्पफुल। देखिए, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, कि मैं तो, देखिए आप मेरे पीछे मेरी पूरी फार्मेसी देख रहे हैं, मैं सिंगल पेटेंट भी यूज़ नहीं करता। मेरे को शुरू से पेटेंट यूज़ करने की आदत नहीं रही, क्योंकि जिनसे मैंने प्रैक्टिस सीखी थी, मेरे गुरुजी डॉक्टर SL अली, वो खुद पेटेंट नहीं यूज़ करते थे, तो मेरे को भी पेटेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आर दे हेल्पफुल का जो मेन आंसर है कि हाँ, दे आर सपोर्टिव। ये एक पेशेंट के अंदर जो बीमारी होती है और बीमारी के लक्षण होते हैं, उनको कुछ हद तक कंट्रोल करने का और कुछ हद तक कम करने का काम करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि मैं कोई रीनल या फिर कोई लीवर टॉनिक या लीवर के पेटेंट से मैं एक पेशेंट को सही कर दूंगा, तो वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक होम्योपैथिक मेडिकल माइंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कंपनियाँ पेटेंट बनाती और अनपढ़ टाइप के डॉक्टर पेटेंट प्रिस्क्राइब करते और सब बंदे सही हो जाते। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ पेशेंट 100% क्योर्ड बाय द पेटेंट। ओके, तीसरा सवाल जो पैदा होता है कि आर दे अगेंस्ट द होम्योपैथिक लॉ। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है कि करेक्ट वे टू प्रिस्क्राइब द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो उसका मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देखिए। उसमें मैंने ये बताया है कि जिस तरह से कई प्रैक्टिशनर एक बॉटल के अंदर, कई ऐसे महानुभाव प्रैक्टिशनर हैं हमारे इस फील्ड के अंदर कि वो डाइल्यूशन 30 और 200 पोटेंसी में कई दवाओं के मिला के पेशेंट को बूंदों से पीने को बोल देते हैं। तो और वो उस वीडियो में मैंने बताया है कि ये वो गलत तरीका है, कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिमम डोज, इन दोनों का उल्लंघन होता है। आप वो वीडियो देखेंगे, कार्ड में लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देखिए, तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जो पेटेंट बनाने के तरीके हैं और जो पेटेंट को जिस तरह से बनाया जाता है, दैट इज़ अगेंस्ट द टू लॉ ऑफ होम्योपैथी। फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिमम डोज एंड सेकेंड इज़ द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। ओके, तो दे आर एब्सोल्यूटली अगेंस्ट द लॉ। तो इनको जब बनाना ही सही नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट हैं, तो यूज़ करना कितना सही होगा, ये सारे डॉक्टर्स भली भांति इससे अवगत हैं, है ना। ठीक है, अब उसके बाद
इज इट करेक्ट टू गिव देम? तो देखिए, इसका आंसर अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि नहीं, इट इज नॉट करेक्ट टू यूज देम, क्योंकि ये जो पेटेंट होते हैं ये कहीं ना कहीं पेलिएशन का काम कर देते हैं पेशेंट के अंदर। कि जब एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, तो डॉक्टर के पास जब पेशेंट आया तो डॉक्टर ने सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि आपको एक पेटेंट आप दिमाग में पैदा होता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग पेटेंट यूज़ करते हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज की तारीख में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो पेटेंट को यूज़ करते हैं। तो पहले तो आपने एक लिस्ट बना के रखी होती है कि मेरे पास इसका पेशेंट आएगा तो मैं ये पेटेंट दूंगा, इसका पेशेंट आएगा तो ये पेटेंट दूंगा। अरे यार, वो कल एक MR आया था, वो देखो कोई सैंपल दे के गया, देखो वो काय काय कैसा काम करता है, उसको निकलवाओ, उसको बुलवाओ, अपन उस पेशेंट को ये देंगे, है ना। तो ये, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेटेंट है वो देखिए क्योर तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो होम्योपैथी के दो लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिमम डोज। तो ये पर काम करेंगे, क्योंकि भाई उसमें दलित तो होम्योपैथिक दवाएं हैं, तो वो काम करेंगे। वो क्या काम करते हैं? वो पेलिएट करने का काम करते हैं। और इसी के कारण हमारे डॉक्टर बंधु ये नहीं समझ पाते हैं कि जो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिला है वो उस पेटेंट के प्रिस्क्राइबिंग के कारण मिला है, कि उनकी जो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन और बायोकेमिक वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके कारण मिला है। और ये एक प्रकार की ब्लाइंड प्रैक्टिस में मानता हूँ इसको, कि भाई आपको पता ही नहीं कि उसको काय से फ़ायदा हो रहा था। बस ओवरऑल ये होता है कि आप खुशफहमी में जीते और एक पेशेंट खुशफहमी में जीता है, अरे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवा दे दी, अब मेरे को तो बहुत रिलीफ मिला। अब वो ये जानता ही नहीं है कि भैया वो पेलिएट हुआ है अभी, वो उसका क्योर तो हुआ ही नहीं है, और पेलिएशन के बाद उसके सिम्टम्स आर गोइंग टू प्रेसिपिटेट इन द फ्यूचर, ये अपन सब जानते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब आप पूछेंगे, आप लोग मेरे से बोलेंगे कि यार डॉक्टर साहब, यार तुम एक बात बताओ कि अगर इतना ही ख़राब है पेटेंट को यूज़ करना और पेटेंट को देना, तो फिर कंपनी क्यों बना रही है? देखिए, कंपनियां जो है वो कमर्शियली काम कर रही हैं। एक कंपनी को राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्रूड मटेरियल से लेकर के एक 30th पोटेंसी बनाने में, फिर 30th से 200 पोटेंसी बनाने में बहुत बड़ा सेटअप लगता है, उसके बहुत पैसे खर्च होते हैं। और आप अगर एक 100 ml की आपने, मान लो आपने कोई एक मेडिसिन लेके आए, मान लीजिए ब्राइनिया आप 100 ml ले आए, तो आपकी 100 ml ब्राइनिया तो कई महीने चलेगी आपके पास, क्योंकि आप दे कैसे रहे हो, आप उसको पिल्स में डाल करके देते हो, आप लिक्विड तो दे नहीं रहे और देना भी नहीं चाहिए। तो कंपनियां का ये पर्सपेक्टिव होता है कि भाई ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमको कोई ऐसा प्रोडक्ट भी चाहिए जो फ्रिक्वेंटली रोलिंग में रहे। क्योंकि हम अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब की ज़्यादा प्रैक्टिस है और वो पूरे के पूरे 450 ml की डाइल्यूशंस की बॉटल रखते हैं, तो भाई उनका तो एक साल में एक बार उनको रिफिल करना पड़ेगा। तो क्या मतलब कंपनी बस आपको एक बॉटल बेच के क्या बैठ जाएगी क्या? तो ये कंपनियां अपने कमर्शियल सर्वाइवल के लिए ये पेटेंट्स बनाती हैं। और जो नए प्रैक्टिशनर्स आते हैं, जो कम लर्नेड प्रैक्टिशनर हैं, जिनके पास नॉलेज कम है, जिनको मटेरियल मेडिकल रिपर्टरी का नॉलेज नहीं है, वो उन पेटेंट्स को यूज़ करके कहीं ना कहीं अपने धंधे के अंदर खुद सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो पेटेंट का प्रचलन हुआ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लेस लर्नेड प्रैक्टिशनर्स। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई आर डॉक्टर्स आर यूजिंग देम? तो उसका भी जवाब सीधा सा अभी तक आप समझ चुके हैं, उसका एक सीधा सा एक जवाब है कि डॉक्टर्स के पास जब नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका रिपर्टरी एंड फिलोसफी नहीं होता, तो वो डॉक्टर जो है मजबूरी वश उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। और इसके पीछे मैं अपने इंडिया के होम्योपैथिक एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ कि वो इस तरह के डॉक्टर्स पैदा ही नहीं कर रहे सिस्टम में। अरे भाई, कॉलेजेस हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो एक स्टूडेंट जैसे तैसे करके टेढ़ फेढ़ करके पास हो जाता है, और फिर जब वो प्रैक्टिस में आता है तो नील बटे सन्नाटा, उसको कुछ पता ही नहीं है होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस करना है। ना ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑथेंटिकली और उन बच्चों को ट्रेन करें, मतलब थेरेप्यूटिक्स की कोई भी ऐसी वो नहीं है जहाँ पे उन बच्चों को समझाया जाए कि भाई किस तरह से प्रैक्टिस की स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस में क्या करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इसलिए, और सबसे मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न एक होम्योपैथ के पेटेंट यूज़ करने के पीछे, आप में से बहुत से लोगों को ये मतलब ऑब्जेक्शनेबल लगेगा, वो ये है कि एक होम्योपैथ फीस मांगने में डरता है, एक होम्योपैथ अपने नॉलेज की फीस मांगने में डरता है। उसके पास एक फार्मेसी है
तो वो कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को दवाओं के पैसे से रीएम्बर्स करके एक पेशेंट से पैसा लेता है। और प्रचलन ये चल रहा है कि होम्योपैथी में तो फीस लगती नहीं है, एक होम्योपैथ तो बस दवाओं के पैसे लेता है। अब मेरा ये सवाल है भाई, दवाएं आती कितने की हैं, कितने की खर्चा बैठता है हमको दवाओं का? तो ना हम इतने बेवकूफ़ हैं कि ये एक्सप्लेनेशन अपन को देना चाहिए पेशेंट को, और ना पेशेंट भाई साहब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अगर आप 3-2 ड्राम की शीशी और एक बायोकेमिक का अगर 500 चार्ज कर रहे हो, तो पेशेंट कहीं ना कहीं जानता है कि यार आप हिडनली उससे फीस चार्ज कर रहे हैं। और डॉक्टर्स उस पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पेटेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो बल्क अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब कि आप होम्योपैथी इसके लॉ को उल्लंघन करके, आपको पेटेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक अच्छे होम्योपैथ हो तो आपका ज्ञान जो है वो वाकई में इस लायक है कि आप जो है खुलकर पेशेंट से सेपरेटली फीस की डिमांड कर सको। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, और बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।